हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हैं? मेरा कपड़ा फंस गया था। मैं अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग उधर घूमने जा रहे हैं। तो अब चलिए, क्या क्या दिखता है देखते हैं, घूम के आते हैं। यहाँ एक बेर है, इसको हम लोग खा के देखेंगे बोल रहे हैं, है ना? पॉकेट में डाल रहे हैं इसको। चल ना रे, हिला रे, ये दे वाला बेर, ये दे, खा के देखते हैं कैसे लगता है। बहुत अच्छा लगता है बोल रहे थे भाभी। अच्छा, एक और छोटे तोड़ के खा के देखते हैं, तो गिरा है ना। अरे एकदम मस्त मीठा है, एक नंबर। कौन पकड़े? बहुत अच्छा। छोटा सा पेड़ है लेकिन बहुत खड़ा है। गाइस, मैं बेर हिलाने के लिए इधर चढ़ रही हूँ, देखते हैं हिला पाते हो कि नहीं। ये देखिए, ए नवीन, उतरे, बेर गिर रहा है रे। वो तो उधर केवल गिर रहा है। वाओ, बेर गिर रहा है गाइस, आइए उठाने के लिए। ऊपर का तो नहीं सक रही हूँ, मजा आ गया। कितना बेर हो जाएगा, बहुत मीठा है। अब मैं बेर उठाने जाती हूँ। दिखाना, इधर उतर रही हूँ। चलो, मैं ना भी बेर उठा रही हूँ। अरे कहाँ कहाँ चला गया तो? कहाँ कहाँ गिरा था भाई? एक तो वहाँ का बेर भी मैं इतना सारा बेर उठाए। आप लोग तो उठाने भी नहीं आए, आइए उठाने के लिए, खाएंगे साथ में। गाइस, बेर ना बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया कहीं गए थे, आ गए तो फोन किया, तो चाबी छोड़ने के लिए गए हमारा देवर। हम लोग अभी उधर थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। ये रे बेर, तो ये खराब बोला निकला। इमली भी बहुत फला है। इमली को देख के तो मुंह में पानी आता है। किसको किसको मुंह में पानी आ गया। इधर महुआ पेड़ है। चलो गाइस, यहाँ पर ना पहले हमारे गांव वालों का सबका खनियाल था लाइन से, सब यही कुंभा बना के रखते थे। मैं एक जगह ले रही हूँ घुमाने के लिए, घूमने के लिए, घुमाने के लिए नहीं।
इधर बगान है, बगान पूरे बगान में तो बगान में तो बहुत देखो हम लोग अभी रोड पहुंच गए। अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, कुड़ुक में तो हम लोग तूसा बोलते हैं और सादरी में क्या बोलते हैं, दाढ़ी, हिंदी में कुआं जन बोलेंगे ना, वही मैं दिखाने ले रही हूँ आप लोगों को। बहुत पुराना दाढ़ी, तूसा, कुआं। तो चलिए दिखाती हूँ, बंद कर नहीं बनता। पहला ऐसा रास्ता नहीं था, दूसरा रास्ता था। यहाँ से पूरा खुदा गया, पहले ऐसा नहीं खुदा आया था। नहीं जानता ना भी। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बढ़िया से दिखते हैं। चलो क्या गाइस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरे को भी नहीं आता है इसका क्या नाम है। तो आइए मैं पैतृक कुआं दिखाती हूँ, पैतृक दाढ़ी। हम लोग तो कुड़ुक में तूसा बोलते हैं। यहाँ ऐसे पूरा गर्मी में भी पानी रहता है इसमें। दाढ़ी है, पहले तो ऐसा नहीं था, पत्थर से केवल बना हुआ था, मतलब पूरे गांव वाले यहीं का पानी पीते थे और नहाने भी आते थे और सब यहीं, मतलब गांव वाले सब कोई यहीं से पानी लेते थे पीने के लिए। तो हम लोग घड़ा में ढो ढो के लेते थे घड़ा से। आप लोग देख सकते हैं अभी तो ऐसा बना दिए हैं पंचायत तरफ से, ऐसा इसलिए होगा तो बढ़िया। तो आप लोग का, हम लोग का पैतृक कैसे लगा। और हम लोग नहाने आते थे ना तो लड़के लोग ना बहुत बदमाश थे। उधर दिखाना, उधर वो मक्का का पेड़ झाड़ है इधर, और इधर पेड़ वगैरह है। इसमें ना लड़के लोग आके, हम लोग जब भी नहाने आते थे तो इसमें छुप के नहाने तक देखते थे, छुप छुप के देखते थे हम लोग को, ऐसा करते थे लड़के लोग, बहुत बदमाश थे। पानी अभी भी साफ है, उस निकलने में थोड़ा सा नहीं निकलता है, इसमें तो पानी ना बहुत ठंडा रहता है। अभी तो ज़्यादातर नहीं आते हैं, कोई कोई लोग आते हैं यहाँ नहाने धोने के लिए। पानी एकदम ठंडा है, कभी नहाने आए थे नहीं आए, इसको ना साफ करने से ठीक रहता। इधर मुचरी भाजी सब होता था, नहीं अभी तो इधर गड्ढा कर दिए पूरा। धनिया भाजी है, पानी तो अभी बहुत गंदा दिख रहा है, नहा ये धोए होंगे इसीलिए, कपड़ा को डुबा देते हैं ना, इसीलिए हाँ पानी लेकिन नहीं चटाता है इसमें का, हाँ
नहीं होता है। सोचो पहले गांव में ना बोरिंग था ना कुआं था, कुछ भी नहीं था। सब लोग यहीं से मतलब पानी लेके इसी में का पीते थे, शादी हो बिया हो कुछ भी प्रोग्राम हो। अरे यहाँ से ढो ढो के लेते थे घड़ा में डेकची में। पानी अच्छा ठंडा है तो। ये खेती में क्या खेती बोलते हैं, गर्मी का खेती, गर्मी में जो धान नहीं लगाते हैं पूरा इसमें लगे रहता था, इस बार तो नहीं लगाए हैं। ओ दे आगे ना उधर मूड़ा था, वहां हम लोग दिन भर नहाते थे, हम लोग को ना डंडा पकड़ के आते थे मारने के लिए, खोजने के लिए, और जाके वहीं का खनिया लो वहां पर हम लोग मछली पकड़ते थे। हम लोग 5-6 लोग थे, वहीं पर बना के खाते थे। नहीं जाएंगे घर सीधा शाम को ऐसा। तो साबुन तो नहीं पकड़ के लाए ना है? गाइस अभी शाम हो रहा है, हो ही गया, तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं अंत करते हैं, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर है, तो हम लोग पैदल पैदल घूमने आए थे। तो अभी सूरज तो डूब ही गया, मेरा कपड़ा को काका खींचता है। इधर से गाड़ी आ रहा है, तो आप लोगों को बाय बाय, गुड नाइट अभी से ही।